नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप पे। मैं हूं नीरज और आज बातचीत होगी कच्चे तेल की, जो $80 की तरफ बढ़ चला है। खबरें हैं इस पर, बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। और ठंडी पड़ी सोने की चमक, फीकी पड़ी सोने की चमक, चोना जो बहुत तेज था अब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ एक और कमोडिटी है जो इंटरनेशनली है, चीनी। उसके फिर से एक्सपोर्ट की मांग उठने लगी है कि इसको एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध है उसको ख़त्म किया जाए। तो क्या ये वाकई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब पे भी बातचीत होगी। तो आज इन तीन विषयों पे बातचीत होगी। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौन मेहमान है? गंगानगर कमोडिटीज़ के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे, साथ ही SGFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ अनुज गुप्ता। और फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी से। तो पहले चलते हैं अनुज जी के पास और अमित जी के पास। अनुज जी और अमित जी, क्रूड पे पहले बातचीत करते हैं। क्रूड में क्या हुआ कल? थोड़ा सा 10-20-25 सेंट इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आया, क्योंकि खबरें आ रही थी कि US अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ऑयल रिलीज कर सकता है अगर प्राइसिंग नीचे नहीं आई तो, क्योंकि US में इलेक्शन है और बाइडन साहब को इसकी चिंता है। लेकिन OPEC की तरफ से ऐसे कोई संकेत अभी तक मिले नहीं हैं। तो क्रूड की कहानी ये, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आया क्रूड, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया। क्या लगता है आप लोगों को कि क्रूड में क्या करना चाहिए? पहले अनुज जी आप बताइए, कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज? नमस्कार नीरज जी, क्रूड में जैसा कि मैं अभी करंट चार्ट देख पा रहा हूँ, 12 अप्रैल को उसने हाई बनाया था 7322 के आसपास का, तब से लेकर कंटिन्यूस उसमें फॉल देखने को मिल रहा है। अभी भाव लगभग 6520 के आसपास है, लगभग 11% का करेक्शन अभी रिसेंट में 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में इसमें हुआ है। ये करेक्शन निर्भर करता है, कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो 6570 के आसपास एक बाउंस अगर मिलता है तो इंट्राडे के लिहाज से इसमें बुआली का ट्रेंड लेके चल सकते हैं। 6400 रुपए तक के टारगेट मेरे को लगता है आज या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 6620 रुपए के ऊपर का। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी उसमें चाहिए। अमित जी आपको क्या लगता है? अच्छा ये अमित जी, अनुज जी, अनुज जी फिर आप बताएं। देखिए क्रूड डेफिनेटली हमने एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा था। कल एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अगर आप क्रूड की रेंज की बात करेंगे तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं $78 से लेकर $90 के बीच क्रूड के प्राइस मूव करते हुए नजर आए हैं। तो मेरा व्यू है कि क्रूड के अंदर एक रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है। ज्यादा गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि काफी अच्छी गिरावट हमने पिछले करीबन 1.5 महीने में देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो करीबन 6480 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 6420 का रहेगा, टारगेट करीबन 6620 तक देखने को मिल सकता है। तो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं। कल जो हमने एक रिकवरी देखी थी एक शॉर्ट कवरिंग के चलते था, प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड हुए हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो मेरा व्यू है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अमित जी कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज और अनु जी कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स, इसका बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? दोनों स्ट्रेटजी एक्चुअली मार्केट प्ले करती है, दैट इज मोर मार्केट की बायर और सेलर मिलते तभी मार्केट बनता है। लेकिन इन दोनों स्ट्रेटजीज के बीच को थोड़ा समझते हैं दोनों लोगों से। अनु जी आप ये बताइए, क्या एक रेंज, आपने कहा कि ऑलरेडी करेक्शन लिया है इसने, क्लोज टू 90 के आसपास गया फिर वहाँ से लौट के आ गया, तो आपको लगता है कि ये अपर साइड की जो रेंज है वो अभी भी खुली हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? आप अगर प्राइस को देखेंगे तो $92-93 तक भाव गए थे ब्रेंट के, और अभी करीबन $82 के आसपास चल रहे हैं। और अगर हम WTI की बात करें तो $78 के आसपास आ गया। तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो जब भी प्राइस $80 के नीचे आते हैं WTI के 78-77 के आसपास, तो वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और ऊपर 90 के आसपास जब भी जाते हैं तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये ट्रेंड हम पिछले करीबन एक साल से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी वही ट्रेंड अभी बरकरार है और यहाँ पर आपको अगेन एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से प्राइस थोड़े से अभी ओवरसोल्ड जोन में आए हैं जहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि प्राइस जो करेक्शन हुए हैं ये यहाँ पर एक बाउंस बैक ले सकते हैं। हालांकि एक चीज है जो कि क्रूड की इन्वेंट्री जो कि काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो हो सकता है कि जब प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेंगे $2-3 बढ़ते हैं तो फिर आपको अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से तो प्राइस सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ पे तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर प्राइस बाउंस बैक लेकर अगेन WTI $80 जाता है या ब्रेंट आपका 85 जाता है
तो वहां से आपको अगेन एक रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। तो जो रेंज अभी बन गई है शॉर्ट टर्म में, अगर हम WTI की बात करें तो 78 से लेकर $80, और ब्रेंट की बात करें तो 80 से लेकर $85 ये रेंज बन गई है। तो जब भी प्राइस 80 के आसपास आएंगे तो आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और अगर 85 के आसपास जाएंगे तो वहां पर आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन आपका बायस जो है अपर साइड की रेंज की तरफ है। अमित जी, आपको क्या लगता है कि डाउन साइड का रिस्क ज़्यादा है क्योंकि पॉलिटिकल कमोडिटी है, पॉलिटिकल प्रेशर है और बढ़ने नहीं दिया जा रहा दाम, इसलिए यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा $1 भी तो तुरंत सबके कान खड़े हो जाएंगे और वो नीचे की तरफ का रास्ता खुलेगा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि रिसेंट में कंटिन्यूस 2 दिनों से ये 6600 के आसपास से कंटिन्यूस रिवर्स हो रहा है। परसों भी इसने 6613 का एक हाई बनाया था और कल भी 6611 का एक हाई बनाया था। जब तक 6620 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकल रहे तब तक इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस डाउन रहेगा। और डेली चार्ट में जैसा कि देख पा रहा हूँ उसमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है जिसका टारगेट 6400 से लेकर 6350 के आसपास का होता है। तो मेरे को लगता है नियर टर्म में 6400 से 6350 के भाव इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं सोने की। अनुज जी, सोने में क्या होने वाला है? सोना 2300 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, डॉलर के मूवमेंट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन फंडामेंटली वो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग जोन पे लग रहा है। क्या इस पे स्ट्रेटजी आपकी होगी? देखिए, अगर आप इस हफ्ते को देखेंगे तो मंडे से ही एक रिकवरी का ट्रेंड इसमें देखने को मिला, हालांकि फ्राइडे को भी मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ था। तो करीबन 2280 से अगर आप देखेंगे तो करीबन 2320 तक के लेवल हमने यहां पर आते हुए देखे। MCX में करीबन 70,500 का लो था, वहां से बाउंस बैक होकर करीबन 71,200 के आसपास के लेवल्स बनते हुए दिखाई दिए। तो इंटरनेशनली भी गोल्ड बाउंस हुआ है, डोमेस्टिक भी गोल्ड बाउंस हुआ है। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट रीजन रहे। पहला तो डॉलर इंडेक्स जो 106 के आसपास था फेडरल रिजर्व की मीटिंग के आने के बाद, उसमें करेक्शन देखने को मिला जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिला। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, अक्षय तृतीया है 10 तारीख को जो कि इसी हफ्ते पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। और इंटरेस्टिंगली जो चाइना की डिमांड है वो हमने पिछले करीबन 4 महीनों में अच्छी खासी बनती हुई देखी, तो चाइना ने इस बार काफी बड़ा रोल प्ले किया जो काफी टाइम से मार्केट में नहीं था। तो चाइना की डिमांड अब गोल्ड में आती हुई दिखाई दी जिससे गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो फैक्टर है ये गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि $2300 का जो काफी अहम सपोर्ट है वो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिख रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। और ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो 72,400 तक के लेवल आपको, 71,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, अगर थोड़ा बहुत 71,050 तक के लेवल मिले तो खरीदारी करना चाहिए, 70,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 71,400 तक आ सकता है। और इंटरनेशनली $2330 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर रहेगी। ओके, 71,400 2330 ये लेवल्स आने की संभावना, ध्यान रखिएगा। अमित जी, आप भी खरीदारी की साइड में या आपको लगता है बेच देना चाहिए गोल्ड? बिल्कुल, मैं भी अनुज जी की बात से सहमत हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और इंटरनेट के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो 71,150 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 70,900 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस करना था, मेरे को लगता है 71,600 से 71,700 तक के प्राइस जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे तो टाई है, यहाँ पे दोनों लोग खरीदारी करें। एक आप बड़ी दिलचस्प बात कही अनुज जी आपने, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, फिर आपसे सवाल है। आपने कहा चाइना की तरफ से डिमांड आ रही। चाइना में ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग वहाँ के जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते थे वो रियल एस्टेट में करते हैं, और रियल एस्टेट जब बबल बस्ट हुआ तो समझ में नहीं आया लोगों को पैसे लगाएं कहाँ। तो अब रिटेल की डिमांड गोल्ड की तरफ आ रही काफ़ी तेजी से चाइना में, और सरकार तो वहाँ पर खरीद ही रही है, सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, प्लस रिटेल की डिमांड बहुत मैसिव आई क्योंकि अब रियल एस्टेट में पैसा नहीं जा रहा है और सरकार रियल एस्टेट को बहुत पुश भी नहीं कर रही है। तो एक रियल डिमांड ग्लोबली है और भारत में भी तो रिटेलर बहुत खरीद रहा है, तो क्या ये एक ऐसा ट्रेंड मान के चलना चाहिए कि यहाँ से दिवाली तक आपको एक बड़ी ऊंची तेजी सोने में आती हुई देखने को मिल सकती है? नीरज जी, आपको एक डेटा शेयर करता हूँ कि 2018 में जो चाइना के पास सेंट्रल बैंक का होल्डिंग था वो करीबन 1880 टन के आसपास था, जो अभी बढ़कर करीबन 2250 टन के आसपास हो गया। तो महज करीबन 6 सालों में ये बढ़ोतरी हमने देखी, और इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 महीनों में देखेंगे तो करीबन 30 टन के आसपास सेंट्रल बैंक PBOC ने खरीदारी करी है। तो सेंट्रल बैंक से खरीदारी हुई है, रिटेल की खरीदारी हुई है, तो मुझे तो लगता है कि ये जो चाइना एंटर हुआ है गोल्ड के अंदर काफी टाइम के बाद, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा इंडिकेशन है गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए। और मुझे लग रहा है कि आपको दिवाली तक अगेन हम $2400 तक के लेवल और इनफैक्ट उसके ऊपर तक के भी लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, चाइना की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि अगेन हम $2400 के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे।
इंटरेस्टिंग, और डी डॉलराइजेशन की वजह से बहुत सारे देश गोल्ड से भी हैच कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इंटरनेशनली डेट टू जीडीपी 300% पहुंच गया है। तो गोल्ड में तो भाई चमक रहने वाली है, क्योंकि फंडामेंटल रीजंस हैं। अमित जी और अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे चीनी पर, क्योंकि अब चीनी पर एक्सपोर्ट की मांग फिर से उठने लगी है। छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रफुल्ल विठलानी जी से राउंडअप में, और अब बातचीत करेंगे शुगर की यानी चीनी की। इस्मा ने, जो चीनी मिलों का एक संगठन है, उसने सरकार से 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी देने की अपील की है। दलील यह है कि इससे बाजार में लिक्विडिटी आएगी। चीनी के एक्सपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा रखी है और बहुत लिमिटेड मात्रा में वो कोटा वाइज कर रहे हैं अप्रूवल, जिससे एक्सपोर्ट हो पा रहा है। इससे चीनी कंपनियों को डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ा और यहाँ पर प्राइस मैनेज हो रहे हैं। क्या इस कदम से वाकई फ़ायदा होगा या क्या स्थिति बनेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो इस्मा वालों ने मांग की है सर, ये मांग से क्या फायदा होने वाला है और ये मांग आपको जायज लगती है? जी हाँ, ये मांग काफी जायज है। ऐसा है कि चीनी का उत्पादन होता है 5 से 6 महीने की सीजन रहती है, वो अप्रैल महीने में पूरी हो गई है। हमारे पास जो गन्ना रहता है या जूस रहता है, उसके हमारे पास दो अल्टरनेट रहते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करने की परवानगी दे दें या उसमें से इथेनॉल बना लें। सीजन पूरी हो जाने के बाद इथेनॉल बनने की कोई संभावना रहती नहीं है। तो अब चीनी का जो स्टॉक ये साल जो है 2023-24 के एंड में हमें 60 लाख टन की जरूरत रहती है, पर हमारे पास रहेगी करीबन 80 से 85 लाख टन, यानी 20 से 25 लाख टन एडिशनल स्टॉक हम लोग लेके चल रहे हैं। जब कोई भी शुगर मिल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर में सबसे हाईएस्ट नंबर वन पे रहता है एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ शुगर केन, सेकंड रहता है प्रोसेस चार्ज, एंड थर्ड रहता है ये इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर ये 6 महीने में अगर गवर्नमेंट निर्यात की परमिशन नहीं देती है तो ये चीनी जो पड़ी है वो चीनी अगले साल के लिए यूज है, यानी 7 या 8 महीने का, यानी 8% करीबन कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शुगर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी टोटली कॉस्ट ऑफ मनी इंटरेस्ट कॉस्ट पे रहती है, अगर वो ही हम लोग रोक देते हैं जबकि हमारे पास काफी चीनी पड़ी हुई है 20 से 25 लाख टन, तो ये 20 लाख टन की परवानगी तुरंत देनी चाहिए। और हमारे एसोसिएशन ने तो ये 2 महीने पहले मांग की थी कि कम से कम 10 लाख टन तो आप तुरंत दे दीजिए, बाकी का 10 लाख टन चाहे आप मॉनसून देखने के बाद कीजिए या प्रफुल्ल सर एक चीज बताइए। प्रफुल्ल सर, उद्देश्य सरकार का ये था कि प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल हो। रिटेल में आज भी 44-43 रुपए किलो चीनी बिक रही है और इंटरनेशनल प्राइस साल दर साल 22% गिर चुके हैं सर, 24% राधर। तो जब इंटरनेशनली इतना वायबल नहीं रहेगा तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? नीरज जी, आपको मैं बता दूं कि आज की तारीख में इंडस्ट्री जो चीनी बेच रही है उसको कॉस्ट रियलाइजेशन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 435-450 की आ रही है। अगर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट की परवानगी मिलती है तो ये $600 में जाएगी। लेकिन तो हाँ, अभी हमारे पास एशियन कंट्री, गल्फ कंट्री, सर एक मिनट, ये हमको समझाइए ना कि अगर इंटरनेशनल प्राइस जिस समय बैन लगाया गया था उसमें 24-25 डॉलर के आसपास था, अभी $19 पे है, तो फिर कैसे 600 में बिकेगी वहां पे? ये थोड़ा गणित समझाइए सर। आप हाँ हाँ, ये जो है सीजन, ये जो 19 सेंस पर ये है वो ये आज कल 20 पे क्लोज हुई है 1993 समवेयर, तो ये रो शुगर के रेट है, ये फिनिश प्रोडक्ट जो व्हाइट चीनी बनती है उसके रेट नहीं है। व्हाइट शुगर का प्राइस क्या चल रहा है इंटरनेशनल में? सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि $600 में हम लोग बेच सकते हैं, यानी करंट मार्केट से एक तो हमें करीबन 30-40% जहाँ की कॉन्सेंट्रेट की चीनी अवेलेबल बेच सकते हैं तो वो बेनिफिट मिलेगा, 6% से 8% करीबन कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट की बच जाएगी, ये ऑटोमेटिकली फार्मर्स का पेमेंट भी होता है और इंडस्ट्री की आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सिर्फ 1 रुपी पर केजी एक्स्ट्रा बिक रही है एक्स में, उसमें 5% GST लगता है, बाद में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगती है,
कॉस्ट ऑफ प्रफुल्ल जी, ये बताइए जो सरकार ने जिस उद्देश्य से लगाया था वो तो पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ। कहाँ डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बहुत स्टेबलाइज हो गए हैं, महंगाई तो बनी हुई है अभी भी और चुनाव भी चल रहे हैं। आपको लगता है सरकार मानेगी ये मांग? आपकी ये बात मैं जरूर मानूंगा कि चुनाव चालू रहते हुए अभी इस बार ने जो डिमांड की है वो अभी कोई हमें उम्मीद नहीं लगती। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बैठती है, नए मिनिस्टर नहीं आते हैं, और नई गवर्नमेंट बैठने के बाद जरूर ये एक्सपोर्ट की कुछ ना कुछ तो परमिशन मिलनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है। बाकी आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री ने पहले 6 महीने बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक में चीनी बेची, जो गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी। गवर्नमेंट की ये इच्छा नहीं थी कि इंडस्ट्री मर जावे, कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेच के है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी बात हो जा रहा है। अब सिर्फ एक ही महीना हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1 रुपी पर केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, और शायद काफी मिलों को तो एट पार चल रहे, अभी भी प्रॉफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये जरूर देखना था कि ये पार्लियामेंट, आपके हिसाब से डोमेस्टिक फेयर प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए रिटेल प्राइस का तो जो है मुझे, मैं आपको कह सकता हूँ कि 47 रुपीज होना चाहिए, और जहां तक एक्स मिल के प्राइस जो आज है करीबन 3550 3650, यानी 3600 की एवरेज महाराष्ट्र में है, वो कम से कम 3700 की होनी चाहिए। सवाल अभी, हाँ 1 रुपया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि अभी 37 में बेचने की पर कोई फायदा नहीं है, 1 रुपया यहाँ ज्यादा बेचने दो कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास चीनी ही पड़ी रह रही है जिसका यूज गवर्नमेंट को नहीं, अब किसी को भी नहीं है, और वो चीनी पे 6-7% हमारी एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ओवरऑल तो इंडस्ट्री को ही हिट हो रहा है ना वो। अच्छा एक, चूंकि मेरे इंटरेस्ट के लिए गणित ही समझाइए सर, 36 रुपए आप बता रहे हैं एक्स, और महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ मुंबई का, और 44 रुपए में बिक रही, तो ये 1 किलो पे कितना और कॉस्ट लग जाती है, इंटरेस्ट की, ट्रांसपोर्ट की, जीएसटी की, कितना दाम बढ़ जाता है इसका? हाँ, 2 रुपया तो आप पकड़ लीजिए जीएसटी का, हो गया 38। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमम 2-3 रुपया किलो, 2 रुपया पकड़ लीजिए, 3 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी, आज जहां से भी चीनी आ रही है वहां से 2 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ओके, और तो आप ये हो गया 40 रुपया, और आज रिटेलर में कहीं पे भी 10% से नीचे रिटेलर काम नहीं कर सकते, तो 50 होना चाहिए फिर। ये 10% की रिटेल की मार्केट हो गई है, 10% मार्केट बोले 44 रुपए मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। ये रिटेलर, 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 नॉट होलसेलर। और होलसेलर, होलसेलर का सर हर अल्टरनेटिव और गवर्नमेंट है स्कूटिनी में केस निकाल दिए कि आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.2 से 0.3 है, हम लोग की तो बैंड बसती है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये है गणित की, इंटरनेशनल प्राइस गिरने के बावजूद विटलानी जी को लगता है कि फायदा है एक्सपोर्ट अगर अलाउ किया जाए तो, और उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े नहीं ठीक ठाक बढ़ेंगे, 47 रुपये तक कह रहे हैं विटलानी जी कि प्राइस जा सकते हैं अगर ऐसा कदम लिया गया। लेकिन अभी चुनाव है तो देखते हैं क्या होता है, इस मांग को मानती सरकार की नहीं। 4 जून के बाद एक बार बटलानी से फिर हम लोग संपर्क करेंगे कि आपकी मांग में क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी वापस चलते हैं अमित खरे के पास। अमित जी, अभी आपने चीनी की पूरी कहानी सुन ली, अब थोड़ा मसाले की तरफ आते हैं। जीरा गिर गया सुना है दाम उसका? हाँ जी, थोड़ा सा करेक्शन आया है, हालांकि 22,000 के आसपास से ये इसने बॉटम बनाया था मई वाले जीरा, और लगभग 26,500 के आसपास चल रहा है, तो मोटा मोटी 4-4.5 हज़ार रुपए की तेजी इसमें ऑलरेडी अभी आ चुकी है, तो हल्का सा करेक्शन है। ये करेक्शन में लेने का ही प्लान ट्रेडर्स को करना चाहिए। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 25,000 का भाव जून जीरे का काफी अट्रैक्टिव है, ये भाव पे ट्रेडर्स को प्रेस खरीदारी करनी चाहिए। 27,000 तक के टारगेट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में रख सकते हैं। 24,400 रुपए के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, एग्री में आपकी और कोई टॉप पिक है जो इस समय आप सजेस्ट कर रहे हो खरीदने बेचने के लिए? टीएमसी पोजिशनली मेरे को काफी अच्छा लगता है, 18,000 के आसपास जून वाले टीएमसी में पोजिशनली एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। 17,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर पहला लक्ष्य रहेगा 22,800 रुपए, और 22,800 रुपए पर प्राइस निकलते हैं तो लगभग 25,000 तक के बहुत टीएमसी में देखने को मिल सकता है। ओके, हल्दी में खरीदारी की जा सकती है और जीरा में खरीदारी की जा सकती है, चूंकि कल तेजी थी आज गिरा है तो यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है। अमित से बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और ट्रेडर्स को ये जानकारी देने के लिए। तो अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और मैन इन ग्रे आ गया है। नहीं, आपका जैकेट मेरा शर्ट एक कलर का है ऑलमोस्ट।
सेम इतना ही बजट था मेरा नहीं, मैं शर्ट ले पाऊं और इतना बजट था आपका कि आप कोट ले पाओ मार्केट से बढ़िया रिकवरी नीरज जी, मतलब डे हाई के आसपास बाजार पहुंच गया और डेड कैट बाउंस कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन आज के लिए तो एटलीस्ट बढ़िया रिकवरी मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं कैसा रहता है सेकंड हाफ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इसके ऊपर बातचीत करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ।